राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज फिर होगी कुछ इलाकों में भारी बारिश। राजस्थान में भारी से अधिक भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। दरअसल आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र की वजह से ऐसा होगा, इसे लेकर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। दरअसल मौसम विभाग के अंदर जयपुर के अनुसार राजस्थान में आज मौसम का मिजाज बदलने वाला है। कई जिलों में आज मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिश होने की संभावना है। आज यानी शनिवार को पूर्वी राजस्थान के अजमेर, भरतपुर और जयपुर, कोटा, उदयपुर और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर जिलों में कई इलाकों में बारिश की संभावना है, जो कि कुछ इलाकों में भारी तो कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। यानी कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग के जयपुर के अनुसार कल यहाँ पर राजस्थान के अंदर शुक्रवार को यहाँ पर मौसम साफ रहा। इस दौरान पूर्वी पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में छतराई बारिश यहाँ पर हुई। वहीं आज मानसून के फिर सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर में भारी, जबकि कोटा में अत्यधिक भारी बारिश आज हो सकती है। यानी कोटा में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के बांसवाड़ा और भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, धौलपुर और डूंगरपुर, करौली और प्रतापगढ़ में कहीं कहीं बरसात होने की संभावना, यानी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। वही मौसम विभाग के अंदर जयपुर के अनुसार मानसून की गतिविधि आज यहाँ पर बढ़ेगी, लेकिन कल यानी 21 अगस्त से ज्यादा बढ़ जाएगी। इस दौरान अजमेर, भरतपुर और जयपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के अधिकांश इलाकों में अच्छी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इनमें पूर्वी राजस्थान के बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर में बादलों की गरज चमक के साथ, बिजली की चमक के साथ भारी से अधिक भारी बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी राजस्थान के दौसा, धौलपुर और करौली में भारी और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, जयपुर और प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अपडेट दिया गया है मौसम विभाग की ओर से, यानी हल्की बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा राजस्थान में इस बार अच्छी बारिश हुई है। वही बिसलपुर बांध को लेकर भी एक अच्छी खबर सामने आई। दरअसल बिसलपुर बांध का जो गैज है वो लगातार बढ़ रहा है। वही जयपुर और अजमेर और टोंक जिलों की पेयजल की आपूर्ति करने वाले बिसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। बीती रात से कल सुबह तक यहाँ पर बांध में आया पानी 8 सेंटीमीटर पानी दर्ज किया गया है। वही आज सुबह का जो जल स्तर है 312.69 रहा। वही साल भर से अधिक समय के लिए जलापूर्ति के बांध में पानी आ चुका है, यानी एक साल तक की पानी की आपूर्ति तक का पानी यहाँ पर इस बांध में आ चुका है। वही त्रिवेणी का जो गेज है फिलहाल 4 मीटर दर्ज किया गया है, यानी जो त्रिवेणी नदी है उसका गेज फिलहाल 4 मीटर के आसपास दर्ज किया गया है। जो आने वाले यहाँ पर 24 घंटों में अगर बरसात होती है तो तेज होगा, अगर नहीं होती है तो इसमें कमी यहाँ पर हो सकती है। यानी जो गेज है वो 3 के आसपास आ चुका है, यानी नदी का जो जलस्तर है, यानी नदी चल रही है उसका जो गेज है उसमें कमी आ सकती है। वही आज भरतपुर और कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही जो राजस्थान में मानसून है उसका दौर अभी यहाँ पर कुछ इलाकों में सक्रिय होने वाला है। आज भरतपुर और कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना है। कल उदयपुर और अजमेर, जयपुर संभाग में फिर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वही 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख को जोधपुर और बीकानेर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उदयपुर, कोटा, अजमेर में भी कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यानी 22 तारीख को भी राजस्थान में मौसमी बदलाव देखने को मिलेगा। भाई 23 तारीख यानी 23 अगस्त को जोधपुर संभाग में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि उदयपुर संभाग में भी भारी बारिश हो सकती है। वही राजस्थान के कई इलाकों में भी तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। वह पिछले 1-2 दिनों से यहाँ पर कुछ इलाकों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी जरूर हुई थी, लेकिन अब उसमें थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। वही बिलासपुर में कल यहाँ पर कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट देखने को मिली है। वही इसके अलावा यहाँ पर दूसरे जो इलाके हैं वहाँ भी लगातार राजस्थान में मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। वही मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अंदर कई इलाकों में बारिश को लेकर जो चेतावनी दी है उसके लेकर मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया है कि आने वाले 24 घंटों में कई जिलों में मौसमी बदलाव होगा।